डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एआरपी, दैट इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और इस वीडियो में हम एआरपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, सारे के सारे डिस्कस करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दी है तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। इवन आपको टास्क ही दे रहा हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम एक सब्सक्राइबर इतना तो आप कर सकते हो, इजिली आज ही के डेट में आपको लेके आना। अगर आप कर दो तो कमेंट सेक्शन में डन लिख देना, ताकि मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, क्योंकि नेटवर्क्स में एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। चलिए, एआरपी दैट इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिजोल्यूशन करना है एड्रेस का, मतलब कहने का क्या है, यहां पे हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। एआरपी जो है वो लेवल 3 का या लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। ओएसआई या फिर आप टीसीपीआईपी की बात कर लो, चाहे आप नेटवर्क लेयर बोल लो, इंटरनेट लेयर बोल लो, उसका एक्चुअल में ये प्रोटोकॉल है। तो ये करता है क्या है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो मैं आपको विद एग्जांपल सारे सिनेरियो क्लियर करूंगा। लेट्स से दिस इज माय नेटवर्क 1, उसमें ये मेरे पास लेट्स से स्विच है, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस इस तरीके से कनेक्टेड है। नेटवर्क 1 पे अभी फोकस करते हैं। तो लेट्स से नेटवर्क 1 में ए वांट टू कम्युनिकेट विद सी, ए ने सी से बात करनी है, मतलब ए ने सी को मैसेज भेजना है। तो ए के पास सी का आईपी एड्रेस हो सकता है, ठीक है। आईपी एड्रेस कैसे होगा, पब्लिकली है, पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तब भी वो एक्चुअल में इससे ले सकता है, किससे, जो मेरा डिफॉल्ट गेटवे है, डिफॉल्ट गेटवे के एड्रेस तो एक्चुअल में होता ही है, मतलब ए किसके साथ कनेक्टेड है, डिफॉल्ट गेटवे जो स्विच है, तो उसका आईपी एड्रेस तो इसके पास होगा ही होगा। तो एक्चुअल में हम करते क्या है, जब ए ने सी से बात करनी है तो आईपी एड्रेस तो है, लेकिन मैक एड्रेस के बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लैन में आपको मैक एड्रेस चाहिए। अब मैक एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस, वो क्या है, जो एनआईसी कार्ड के ऊपर 48 बिट का एड्रेस होता है, और वो पब्लिकली होता नहीं है। तो अब ए को एड्रेस कैसे मिलेगा, ए जो है वो सी को क्या बोलेगा, लेट से ए ने कोई मैसेज भेजना है, ए पहले सी का मैक एड्रेस पता करवाएगा। तो ए ने सबसे पहले क्या करना है, अपना एड्रेस, लेट से उसने अपना डेस्टिनेशन का, मतलब जो अपना खुद का सोर्स का आईपी एड्रेस डाल दिया, अपना आईपी एड्रेस डाल दिया ए, और लेट से उसने अपना मैक एड्रेस भी डाल दिया कि माई मैक एड्रेस इज ए, 48 बिट का है और ये 32 बिट का आपको पता IPv4 में। और साथ ही साथ उसने क्या करना है, डेस्टिनेशन में, डेस्टिनेशन कौन सा, सी, तो सी का उसने आईपी एड्रेस डाल दिया, लेकिन उसको सी का मैक एड्रेस नहीं पता। तो इस केस में होगा क्या, सी का मैक एड्रेस तो पता नहीं है, तो फिर बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, यहां पे सबको ये मैसेज पहुंचेगा, तो वो एक्चुअल में क्या कर देगा, ऑल एफ, ऑल एफ का मतलब क्या है, 48 बिट्स का जो एक्चुअल में ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। तो एआरपी की जो रिक्वेस्ट होती है, इट इज ऑलवेज व्हाट, इट इज ऑलवेज द ब्रॉडकास्ट मैसेज, हमेशा जो रिक्वेस्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट। इसीलिए आप कह सकते हो कि आप 12 टाइम्स एफ, एफ एफ डॉट एफ एफ इस तरीके से लिखोगे 48 बिट्स का, तब जाके वो ब्रॉडकास्ट होगा। तो ये मैसेज किसके पास जाएगा, स्विच के पास, वो सबको भेजेगा। तो जैसे ही सबको भेजेगा, सी को जैसे ही मिलेगा ये पैकेट, तो उसको लगेगा अच्छा इसमें तो मेरा ही आईपी एड्रेस है, मतलब मेरे से बात करना चाहते हैं। तो ये अपना फिर रिप्लाई करेगा, जब ये रिप्लाई करेगा तो रिप्लाई हमेशा क्या होता है, यूनिकास्ट। क्यों, क्योंकि एक तरह से बिल्कुल ऐसे है जैसे क्लास में आप जाके, क्लास लग रही है और क्लास में आप जाके बोल दो हु इज वरुण, ठीक है, तो मतलब आपने तो सबको पूछा, एक तरह से आपका मैसेज तो सबको, क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हैं सबको वो मैसेज गया हु इज वरुण, तो लेकिन खड़ा कौन होगा, वरुण। तो कहने का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट, रिप्लाई यूनिकास्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल कि क्लास में एक ही वरुण है, कि नहीं तो कईयों को लगेगा सर अगर दो वरुण हुए, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैक एड्रेस तो यूनिक है ना, तो वो हमेशा यूनिक आप कह सकते हो। आप नाम नहीं लेना तो रोल नंबर कह दो कि रोल नंबर ये खड़ा हो, तो रोल नंबर वही एक्चुअल में रिस्पॉन्ड करेगा। तो वही कहानी यहां पर है। तो अब सी जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा यूनिकास्ट वे में, ये कम्युनिकेशन है। डिफरेंट डिफरेंट इसमें चार केसेस बन सकते हैं। लेट्स सी, अगर एक होस्ट है और अगर वो होस्ट से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये वाला केस बन गया, होस्ट है और लेट्स सी वो राउटर से कम्युनिकेट करना चाहता है, मतलब गेटवे से, अपने डिफॉल्ट गेटवे से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो लेट्स सी अगर ए इस डिफॉल्ट गेटवे से कम्युनिकेट करना चाहता है, रीजन उसका क्या होगा, क्योंकि हो सकता है लेट्स सी ए वांट टू कम्युनिकेट विद जेड, मतलब ए ने जेड से कम्युनिकेट करना है और ये किसी और नेटवर्क में है, तो इस केस में तो आपको नेटवर्क से बाहर जाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि आईपी एड्रेस तो आपके पास होगा जेड का,
क्योंकि लोकेशन वाला जो आईपी एड्रेस है वो तो लोकल आपको बताता है लोकेशन, लेकिन उस एक्चुअल एड्रेस जो मैक एड्रेस है वो उस एक्चुअल में उस मशीन का एड्रेस होता है। तो आपको फिर इस केस में क्या करना पड़ेगा, ए पहले डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस डाल देगा लेकिन मैक एड्रेस उसके पास नहीं है, तो ए ने पहले इसको ब्रॉडकास्ट भेजा, इसने अपना मैक एड्रेस दे दिया, मैक एड्रेस मिल गया तो मैक एड्रेस की जगह भर दिया, यहां पे पहुंच गया। अब इसने आगे भेजना है तो इसने क्या करना है, इसके मैक एड्रेस नहीं है आईपी एड्रेस है, तो इसने अपना आईपी एड्रेस, अपना मैक एड्रेस और इसका मैक आईपी एड्रेस डाल के भेज देना है, और मैक एड्रेस इसके पास है नहीं तो इसने इसको रिस्पॉन्ड करना है, दिस इज माय मैक एड्रेस। अब इसने जेड का मैक एड्रेस, तो जेड का मैक एड्रेस लेने के लिए फिर वही ब्रॉडकास्ट करेगा, रिप्लाई आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन तो बाद में होगा, पहले आपको एक्चुअल में मैक एड्रेस पता करवाना है, बाद में आप उस मैक एड्रेस को कैश कर सकते हो अपनी मशीन में, सो दैट लेटर ऑन दोबारा आपको मैसेज ना भेजना पड़े, लेटर ऑन आप सीधा कैश में से उठा सकते हो कि दिस इज अ मैक एड्रेस ऑफ द मशीन। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो चलता है। तो होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू राउटर, राउटर टू होस्ट कह सकते हो, या फिर राउटर टू राउटर, इस तरीके से चार कम्युनिकेशन जो है वो चल सकते हैं। फाइनली अगर हम बात करें इसका जो आपका एक तरह से हेडर इंफॉर्मेशन है, हेडर से ऊपर कई बार थ्योरी के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। हार्डवेयर टाइप जो है वो आपकी 16 बिट की फील्ड है, ये पूरा का पूरा 32 बिट का है, हार्डवेयर टाइप इज 16 बिट। जैसे अगर हम ईथरनेट यूज कर रहे हैं तो ईथरनेट का टाइप क्या होता है, 1, तो यानी उस केस में हम ईथरनेट टाइप क्या डाल देंगे, 1। देन अगर हम बात करें प्रोटोकॉल टाइप, ये भी 16 बिट की फील्ड है, तो कौन सा प्रोटोकॉल, IPv4 यूज कर रहे हो, IPv6 यूज कर रहे हो, तो IPv4 यूज कर रहे हो तो 0800 उस केस में इतनी इसकी वैल्यू होती है, हेक्साडेसिमल वैल्यू। देन हार्डवेयर लेंथ, मतलब आप जिस हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी लेंथ मतलब हार्डवेयर की कौन सी लेंथ होती है, हार्डवेयर की लेंथ का मतलब है उस हार्डवेयर का मैक एड्रेस। तो लेट्स सी, अगर आप नॉर्मल अगर मैक एड्रेस की बात करें तो ऑब्वियसली 48 बिट का होता है जिसको हम 6 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्चुअल में आपका ये बन जाएगा 6 बाइट जो है वो एक्चुअल में बन जाएगा। तो हार्डवेयर लेंथ, अगर आप ईथरनेट की बात कर रहे हो तो ईथरनेट के केस में हम 6 वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। प्रोटोकॉल लेंथ वही हो गया, IPv4 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 4, लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ऑपरेशन, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू होती है 1, अगर आप रिप्लाई कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। देन वही कहानी आ गई, सोर्स ने अपना हार्डवेयर एड्रेस डाल देना है, 6 बाइट का ईथरनेट एड्रेस, सोर्स ने अपना आईपी एड्रेस डाल देना है, IPv4 के केस में 4 बाइट का मतलब 32 बिट का। टारगेट, अब टारगेट हार्डवेयर एड्रेस मेरे को पता नहीं, वो पता लगाने के लिए हम यहाँ पे या तो FFFF भर दो सारा, ब्रॉडकास्ट कर दो, या फिर आप 000 भी लिख सकते हो अगर आपको और डायरेक्ट उस मैसेज को किसी पर्टिकुलर बंदे के पास पहुंचाना है, और ये टारगेट का आईपी एड्रेस इस केस में डाल सकते हो। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो एआरपी की इस तरीके से वर्क करती है। तो आपको ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड की कहानी प्लस हेडर से रिलेटेड, स्पेशली गेट के एग्जाम की अगर हम बात करें क्योंकि उन्होंने रिसेंटली इसको इंक्लूड किया है, हो सकता है एक आधा थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए। Thank you.